अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को जो है किडनी से रिलेटेड जो है डिजीज हुई है या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या अलामत जाहिर होना शुरू होंगी। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। लेकिन जो किडनी से रिलेटेड जो भी पेशेंट होगा उसके अंदर जो अलामत जाहिर होना शुरू होंगी उसके अंदर जो सबसे पहली अलामत है वो है थकावट का होना, या पर्सन जो है वो लेस एक्टिव होगा। थकावट होगी, लेसीनेस होगी, पर्सन लेस एक्टिव होगा, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा और किसी काम में दिल नहीं लगेगा, पर्सन जो है हर वक्त जो है बेड पे लेटा रहेगा। अब इसकी रीजन क्या है, कॉज क्या है? देखें, जब आपकी किडनी सफर करना स्टार्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी किडनी स्ट्रेस में आती है तो वो उसका जो फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। अब जब ब्लड कम फिल्टर होना शुरू होता है तब आपकी जो ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं या टॉक्सिन्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है ब्लड के अंदर ऐसा ऐसा ज्यादा होना शुरू होती है। अब ये टॉक्सिन्स या इम्प्योरिटीज जो है आपको बैड इफेक्ट देती हैं और जिस वजह से आप जो है लेस एक्टिव फील करते हैं, आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो नहीं रहती, क्योंकि आपके जो ऑक्सीजन जो मिल रही है या आपके न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं आपके ब्लड के थ्रू आपके टिश्यूज को, वही है आपकी एनर्जी या वही है आपकी जो है न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो आपके फ्रेश ब्लड मिल रहे हैं आपके टिश्यूज को। अब वो फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा, अब वो इम्प्योरिटी वाला ब्लड मिल रहा है, अब वो टॉक्सिन वाला ब्लड मिल रहा है आपके टिश्यूज को। इस तरीके से आपके जो टिश्यूज होते हैं वो उस तरीके से जो है एफिशिएंटली जो है काम नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जो किडनी का जो पेशेंट होता है या किडनी से जो सफर कर रहे होते हैं या उनकी जो डिजीज है कोई भी स्टार्ट हो रही है, अगर आपकी जो किडनी प्रॉब्लम में है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको जो नींद का आना जो है वो कम हो जाएगा। ये जो साइन है ये क्रोनिक किडनी जो डिजीज है उसके अंदर भी हमें मिलता है कि उनकी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब होती है, उनको जो है नींद नहीं आती, ये एक बड़ी निशानी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई और इची होगी, उसकी जो स्किन होगी उसको जो है ब्लड फ्रेश नहीं मिल रहा, इम्प्योरिटी वाला जो है टॉक्सिन्स वाला ब्लड मिल रहा है और उसकी वजह से क्या होगा कि उसके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई और इची होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है कि मसल्स क्रैम्पिंग, मसल्स के अंदर हमें क्रैम्प्स मिलेंगे, पेन होगा, पट्ठों का खिंचाव मिलेगा। अब ये किस वजह से हो रहा है, आपके जो ब्लड होता है, जैसे हमने बात किया कि आपके ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, टॉक्सिन या इम्प्योरिटीज डिपोजिट हो रही है, टॉक्सिन या इम्प्योरिटीज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो कैल्शियम होता है या फॉस्फोरस होता है आपके ब्लड के अंदर, जो आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपकी मसल की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो खत्म होना शुरू होती है। अब इसी वजह से क्या होता है कि आपके जो मसल होते हैं उसके अंदर हमें क्रैम्प्स मिलते हैं, मसल क्रैम्प्स मिलते हैं और इस तरह का जो हमें अलामत जो है वो जाहिर होना शुरू होती है। पांचवें नंबर पर जो भूख नहीं लगती, आपको जो है भूख नहीं लगेगी, आपकी जो भूख है वो जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सिक्स नंबर पे है कि आपकी जो अर्ज है यूरिन की वो बढ़ जाएगी, आपको बार बार पेशाब आएगा और इसके अलावा जो है रात के टाइम ज्यादा दफा जो है पेशाब आएगा। सेवंथ नंबर पे आपका जो यूरिन होगा या आपका जो पेशाब होगा उसके अंदर क्या होगा, फॉर्म्स मिलेंगे या बबल्स जो होंगे वो एक्सेस अमाउंट में मिलेंगे। अब ये जो बबल्स होते हैं, जो किडनी का जो पेशेंट होता है उसके जो यूरिन होता है उसके अंदर जो बबल्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसकी जो वजह है वो ये है कि अगर कोई भी पेशेंट जो है उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो डिस्टर्ब है किडनी की, तो उसकी अगर किडनी से जो है प्रोटीन अगर जो है एक्सक्रीट हो रही है या उसकी किडनी से जो है एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो जो है ज्यादा एक्सक्रीट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो बबल्स की फॉर्मेशन है यूरिन के अंदर वो ज्यादा हो जाएगी। क्रोनिक जो है किडनी डिजीज के अंदर या फिर वैसे भी हमें क्या एक साइन मिलता है कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। यूजली क्या होता है कि आपका जो किडनी होता है उसके अंदर जो है फिल्टर्स लगे होते हैं, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो फिल्टर्स हैं जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं आपके ब्लड की, वो क्या करते हैं आपके जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनको फिल्टर आउट नहीं करते, लेकिन अगर वो फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो वो आपका जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि बड़े हैं साइज के अंदर, वो उनको भी जो है ऐसा ऐसा फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से क्या होता है कि हमारे यूरिन के अंदर जो है ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एट्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि आपकी जो है पफी आईज होंगी, आपकी आंखों के नीचे जो है बैग्स मिलेंगी, आंखों के नीचे जो है सूजन मिलेगी, आपकी आंखों की जो नीचे वाली जगह है वहां पे स्वेलिंग मिलेगी आपको। ये जो स्वेलिंग है ये सुबह उठते ही आपको ज्यादा मिलेगी और जो है दिन चढ़ते चढ़ते ये जो स्वेलिंग है पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाएगी।
ये एक बड़ी अलामत है। अब ये जो अलामत है इसके साथ साथ ये हमें जो है थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी मिलती है। अब ये होता क्यों है, ये इस वजह से होता है जब आपकी जो बॉडी के अंदर जब किडनी जो है सही तरीके से वर्क नहीं करती, किडनी के सही तरीके से वर्क ना करने की वजह से, फिल्टर ना करने की वजह से आपके बॉडी के अंदर साल्ट की ज्यादा अमाउंट जो है बढ़ना शुरू होती है या साल्ट की जो है रिटेंशन होना स्टार्ट होती है, सोडियम रिटेंशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में ओवरऑल बढ़ना शुरू होती है और इसकी वजह से आपको जो है आईज के नीचे बैग्स मिलते हैं या पॉकेट्स मिलती हैं। इसके अलावा जो है लास्ट नंबर पे हमें लेग्स की, एंकल्स की और फीट की जो है हमें स्वेलिंग मिलती है, जो है फीट के अंदर सूजन मिलती है। जिन लोगों को ज्यादा जो है जिगर का मसला होता है, दिल का मसला होता है और इसके अलावा जो है साथ साथ गुर्दे का मसला होता है, तो उन लोगों के जो पांव होते हैं या जो टांगे होती हैं, टांगों का नीचे वाला हिस्सा होता है या जो एंकल्स का हिस्सा होता है, वो सूजन जो है उनके अंदर सूजन होना स्टार्ट हो जाती है। ये थी हमारी कुछ साइन और सिम्टम्स। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।